बोलने चलेगा रे तुमको हम बता दे बाहर जाके ये रंगदारी करेगा तुमको अभी जाने मार देंगे बोले नहीं करेगा कॉलर पकड़ के भिगा दिया और बाहर निकाल के मारने लगा मुक्का से मार के यहाँ पे धमकी दे के चला गया। गया के बाराचट्टी प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय भदिया समीप विद्यालय प्रभारी के साथ असामाजिक तत्वों के लोगों ने पढ़ने के क्रम घुसकर मारपीट एवं जाति सूचक गाली दिया। मामला आधार कार्ड पर हस्ताक्षर कराने को लेकर हुआ था। शिक्षक प्रभारी कपिल प्रसाद ने पूछा कि जिस आधार कार्ड पर हमसे हस्ताक्षर करवाए जाने की बात की है वह व्यक्ति इस विद्यालय का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए मैं साइन नहीं करूंगा। इसी बात को लेकर असामाजिक तत्व ग्रामीण व्यक्ति ने शिक्षक कपिल प्रसाद प्रभारी को कॉलर पकड़कर क्लासरूम से बाहर निकाला और दो थप्पड़ लगा दिया और जाति सूचक गाली गलौज किया। धमकी भरे लफ्जों में कहा कि अगर तुम्हें अकेले देख लेंगे खैर नहीं तुम सोच लेना तुम्हें क्या होगा। घटना को लेकर मध्य विद्यालय का पूरा शिक्षक शिक्षिकाएं डर गए और शिक्षक ने कहा कि हमें मार खा कर गाली सुनकर इस विद्यालय में शिक्षा नहीं देनी है। जब हमें खुद अपने ज्ञान की सुरक्षा नहीं है हम शिक्षा इस चित्र में कैसे दे सकते हैं। मारपीट की घटना को विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं खाना बना रहे रसोईया और शिक्षिका ने विरोध किया तो असामाजिक तत्व ग्रामीण मौके से भाग गया। वर्ग में क्लास ले रहे थे इसी समय आया जमील खान और कहा कि मेरा भगना के कहने तू दस्त करेगा मेरा नाम यहाँ नाम है हम कि नाम इनका नहीं है जिनका नाम रहेगा उन्हीं का हम आधार कार्ड पर करेंगे। बोलने करेगा बात तुमको हम बता दे बाहर जाके ये रंगदारी करेगा तुमको अभी जाने मार देंगे। इस बात को कौन बोला? जमाल खान बोला। नाम नहीं जानते उसका क्या नाम है सर लेकिन जाति सूचक शब्द लेके बोला कि नहीं लिखेगा तुमको बता देते हैं। और क्या धमकी दिया आपको? और धमकी दिया तो अगर अकेले घूमेगा ना तो तुमको जान मार देंगे उसका बेटा भी बोला। तो हम तो चाह रहे थे कि स्कूल हम बंद कर दें। तो आप क्या चाहते हैं? लेकिन बीओ साहब बोले कि नहीं स्कूल खुले रखे हम आ रहे हैं थाना भी फोन कर दिया थाना भी आ रहा है हम जा रहे हैं फायर करने। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई हो नुकसान नहीं हो लेकिन कुछ लोग यहाँ है कि नुकसान कराना चाहते हैं कि कैसे गरीब के बच्चा है पढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिल प्रसाद। इस विद्यालय का मेरा जान का खतरा भी है। मेरा नाम कपिल प्रसाद उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भद्या उर्दू माध्यमिक भद्या का प्रधानाध्यापक हूँ। पूरे स्कूल का अथी है जिम्मेवारी है टीचर मेरे साथ है सब साथ है टीचर पर भी धमका धमकी किया है कि कोई काम हुआ या फिर से हेड सर के कस के कड़कड़ा के हाथ पकड़ ले थी आगे से हम जाती पीछे से चंद्रकांत सर फिर जितेंद्र सर एलथिन तो सबके बोले एलथिन सबको एलथिन हाँ हाँ सब कर रही था थी सुन लहा और कुछ बात थी नहीं कहिए कोई काम हुआ है मोहलाजा से रंगदारी से नहीं होवे केकरो काम हुआ है भैया चुप रहा नहीं ऐसे करा नहीं माता चौथ क्या वैसे हम अरे लेकर ओकर भगिनवा भी बेटवा भी आफ्ताब के भागना है या आफ्ताब के बहनोई है कहल के कि कान कपड़ खोल दो ये लेकर नहीं खोलेगा दूसर लेकर से खोलवावेगा जान मारा दो हरामी मास्टर है हरामी कहल के कि सब लेकर बोल मारपीट भी मास्टर साहब की किया गया। हाँ हाँ कॉलर पकड़ ले हल्थी तब मुक्का से भी मारे ठीक ठीक कॉलर पकड़ ले सर पहले तो वह बोलने के लिए कि हर मेरा साइन करने के लिए सर बोले कि एडमिशन नहीं है बच्चा का यहाँ साइन कैसे करें फिर हम सब से पूछे कि कौन है तो बोले कि वही आफ्ताब के भागना है तो फिर सर चले गए उधर हम क्लास में आ गए क्लास में आके बैठे हुए थे उसके बाद बच्चा लोग हल्ला किया कि भीड़ बहुत लग रहा है तो मारपीट हो रहा है जब बाहर हम निकले तो देखे कि सबको फेटा फेटी किया जा रहा है। किनको फेटा फेटी कर रहे हैं? हेड सर को हेड सर को मार रहे हैं। क्या नाम हुआ उनका? कपिल प्रसाद उनको मारपीट कर रहे हैं फिर हम इधर उधर देखे कि हाँ सर लोग भी वहाँ मौजूद हैं क्लास में नहीं नहीं सर लोग भी सब आ गए थे तो क्लास रूम में मारपीट किया जा रहा था नहीं नहीं बाहर पहले क्लास में थे तो कुर्सी में बैठे हुए थे 1 से 5 में तो वहाँ जब वहाँ से उठा करके मारे वहाँ उस वक्त हम नहीं देखे जब लड़कन हल्ला किया ना तो मैदान के पास देखे कि फेटा फेटी कर रहे हैं उसके साथ सर लोग सभी वहीं पर खड़े थे। आप स्कूल की हम भी मैदान वहाँ पर गए आप इस विद्यालय के शिक्षिका हैं? हाँ हम शिक्षिका हैं। क्या नाम हुआ आपका? बदुनी सर। उन लोग आया 2-3 लड़कन भी आया एक थोड़ा आदमी भी था सर को कॉलर पकड़ लिया। अच्छा और गाली भी दे रहा था और क्या कह रहा था? मुक्का से मारिस था। अच्छा अच्छा और मार करके और फिर यहाँ पे बोला नहीं कि अकेले मत घूरिएगा धमकी दे कर चला गया और फिर एक लड़का बोला कि नंबर दे रहा है जो करना कर लीजिएगा सो बना। अच्छा ये कब की बात है बाबू? अभी तुरंत की बात थोड़ा देर। किस विद्यालय का? उर्दू मध्य विद्यालय स्कूल।
गाया और सर को कॉलर पकड़ा, बोल रहा इसमें साइन करो, डायरेक्टली बोल रहा था। सर बोले हमको इसमें नाम रहेगा तभी ऐसी साइन करेंगे, तो तहे बोले उठाने करेगा कॉलर पकड़ कर भिगा दिया और बाहर निकाल के मारने लगा मुक्का से। मार के यहाँ पे धमकी दे कर चला गया, बोला क्या कल्ले मत घूरिएगा और नंबर भी देकर चला गया।